हेलो भाई, रुको 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 भाई, वीडियो कट मत करना भाई। मैं तुमको बताता हूँ कि तुम मास्टर ग्रैंड मास्टर आप कैसे पढ़ो। तो वैसे भाई तुम फालतू वीडियो भी देख लेते हो, पर भाई मैं भी कोई फालतू इंसान नहीं हूँ यार। मैं भी अच्छा खासा प्लेयर हूँ, अच्छा मतलब क्या बताऊँ, ना स्टार नहीं हूँ, जो भाई नहीं हूँ, लेकिन भाई मैं भी ना स्टार हूँ, ठीक ठाक खेलता हूँ। फ्रेंड जैसा कि मैं नूबरा पंथी या फिर प्रो पंथी जो भी आप बोलो वो करके पहुँचता हूँ मास्टर या ग्रैंड मास्टर। फ्रेंड सबसे पहले आपको पहले राउंड में क्या करना है, गन नहीं लेना है और आराम से सबसे आगे रहना है, वरना आप ही की टीम वाले उठा लेंगे कटाना या फिर जो भी मिलता होगा ड्रॉप में। तो पहले राउंड में हमारा ड्रॉप लूटना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आराम से हम उसका इस्तेमाल कर सकें। लो भाई पहले किल हो चुके चूरी और दूसरी में देखते हैं क्या होगा। फिर आराम से, अरे भाई ये भी पता है आराम से, ये भी भाई नहीं मिलेगा मुझे भाई। वैसे भी किस्मत लग रही है खराब, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैं फिर भी मेरी सावधानी थोड़ा बहुत काम आई, टीम अच्छी मिल गई, तो इस राउंड में शायद जीतना भी आसानी हो गया। ओ भाई ये राउंड तो ओके समझ लो यार, खत्म हो गया। मैंने भाई क्या कहता हूँ, मैंने गन भी उठा ली मुफ्त में, मैंने पैसा सारा बचा लिया ताकि नेक्स्ट राउंड में अच्छा गन ले सकूँ, ताकि आराम से किल पा सकूँ और जीत सकूँ। तो अभी मुझे एक किल बचा है, उसे लेना है किसी भी बात में। और ये भाई यार ये अंदर बैठा क्या करूँ, वो भाई मैं तो लेट ही गया भाई, मेरी बेइज्जती हो गई। तुम लोगों के साथ इसी बात पर हाँ लाइक कर दो। तो फ्रेंड हाँ मैं कहाँ पे था, आप बता रहा था कि आपको करना क्या। फ्रेंड सबसे पहले तो आपको पैसा बचाना है, दूसरा बात वो गन चलानी है जो गन सबसे अच्छा आप चलाते हैं, भले वो MAG-7 हो या MP5 हो या फिर डबल विक्टर हो। मेरी रिकमेंडेशन है आप MAG-5 या डबल विक्टर इस्तेमाल करें, उससे आप कायदे डैमेज देंगे, लोगों को निपटा देंगे। और वैसे भी उसमें स्किन का भी कोई खास जरूरत पड़ता नहीं है, उसका डैमेज मस्त होता है। बाकी का भी भाई गन लो तो बेहतरीन स्किन चाहिए भाई, इतना पैसा कहाँ मिलेगी, अच्छी अच्छी स्किन निकाल पाए। हर रोज दोस्तों नई नई स्किन दे देता है, पर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या करना है। तो वन जैसा मैंने ले लिया UMP, क्योंकि मेरे पास था पैसे की कमी, और मैंने ले लिया था मशरूम भाई, वो वाला लगा लिया। वो क्या कहते हैं भाई उसका नाम भूल गया, अरे भाई जो क्या कहते हैं मैप जैसा दिखता है उसको लगा तो बढ़िया क्वालिटी बढ़ा देता है सामान लेने के। लो भाई ये भी खिल गया चोरी, फर्स्ट ब्लड। भाई कोई बात नहीं, देखता हूँ किल तो उठा के रहूँगा, किधर जाऊँ भाई। अच्छा हाँ भाई मैं तो कुछ बता रहा था, हाँ तो मैं कह रहा था भाई कि आपको जरूरत है, जरूरत है सबसे पहले निपटाने की किल की, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आप एक तो भी निपटाएंगे तो आपकी टीम को काफ़ी मदद मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप छुप के खेलो भाई, अगर कहीं तुम निपटा नहीं पाते हो, आराम से बैठे रहो कहीं खोपचे में और जहाँ कोई देखे मारो ठाए ठाए ठाए। लेकिन एक काम तभी करेगा जब बाकी टीम वाले प्रो हों, अच्छा ताकि अगर टीम वाले प्रो नहीं होंगे तो आगे आगे जाएंगे निपट जाएंगे, और आखिरी में अगर आप जिंदा रहेंगे तो सब मिलकर आपको गालियाँ भी दे सकते हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। तब आपको भी माइक ऑन करना पड़ेगा, बराबर गाली बकनी होगी, तभी उनका गाली बकना बंद होगा। तो वैसे ये तो फालतू की टिप हो गई। तो फिर नेक्स्ट बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी काम है मशरूम वहाँ पर ना छोड़ना। कहीं अगर आपने छोड़ा, आपका एनिमी के पास पैसा नहीं है, वो आपके एरिया में जरूर आएगा गन उठाने या फिर मशरूम मशरूम के जुगाड़ में। वो आराम से मशरूम खाएगा, फिर वो भी ओरायन बन के आप हमला कर सकेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपको मशरूम निपटा देना चाहिए सारा का सारा। फर्स्ट ब्लड। सबसे भी जरूरी काम है एयरड्रॉप को लूटना, ये अगर आप इसको नहीं लूटा तो आपके पास वो नहीं बनेगा पॉइंट, और पॉइंट नहीं बना तो आप बेहतरीन गन नहीं ले पाएंगे। बेहतरीन गन आप नहीं ले पाएंगे तो इससे ज़्यादा डेंजर क्या हो सकता है, तो सामने वाली टीम ले पाएगी। और भाई ये जो क्या कहते हैं 4 लेवल की बेस्ट मिलती है, वो कितनी खतरनाक होती है, वो जिस टीम को समझ लो मिल गया, उस टीम को समझ लो डैमेज देना भी मुश्किल हो जाता है। डबल तो किल। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं बका नहीं रहा हूँ, वैसे मैं बका ही रहा हूँ। जैसा सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ तो इस हाल में मुझे पैक कर लेना चाहिए, पर भाई मेरा फोन नहीं होता भाई, कितनी गोली मारेंगे भाई वो चारों लोग मिलके कि मैं स्वाहा हो जाऊंगा। तो भाई ये लो MP तो फोड़ फाड़ बराबर कर दिया मुझे। तो देखा भाई अगर टीम वाले नहीं बचेंगे तो जल्दी जल्दी किसी को निपटाओगे नहीं तो टीम बस तुम्हारी टीम का मनोबल कमजोर हो जाएगा, कमजोर हुआ तो तुम निपट गए। और भाई सबसे जरूरी अंत हो गया, सबसे जरूरी खुद की टीम बनाना, मतलब अपने जो दोस्त हो उनके साथ करो, तो तुम अच्छा खासा रस कर सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो और जीत सकते हो। जैसे मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ तो मैं इनसे क्या ही बोलूँ, क्या ही ये मेरी बात मानेंगे, तो कहेंगे यार हट तो नुबड़े, तूने कौन सा किल किया बहुत ज़्यादा, वो मैं तेरी बात मानूँ, ये भी ले दे कर बेकारी है। वैसे मैं अपना काम चालू कर रहा हूँ पर मुझे नहीं लगता कोई फायदा वायदा होगा, पाला रहता तो इतना नहीं क्या। फिर भी जीत तो जाऊँगा, इतना तो खेल ही लेता हूँ, देखता हूँ आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स इधर मैं आया हूँ फिर से एडॉप्ट करने, लेकिन भाई बम ने मुझे लूट लिया और मैं शायद ख़त्म हो जाऊँगा। हाँ मैं ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो कट करनी पड़ी, वरना आप लोग कमेंट में कहते हैं तू नूब है तू नूब है, तो मुझे अच्छा लगता, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कट कर देता। तो फ्रेंड्स वैसे मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में शायद मैं अपनी शानदार विक्ट्री और गजब का गेम प्ले आपको दिखा ना पाऊँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसी को यहाँ पे कट करता हूँ। मैंने भाई ऐड लगाया, सब्सक्राइब जरूर करो।